हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक में भाग लेने आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से वापस लौटते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश में रहना है तो देश के कानून मानना सबके लिए जरूरी। ट्विटर देश के कानून से बड़ा नहीं, जब देश में काम करने वाली सभी कंपनियां देश के कानून को मानती आ रही हैं तो ट्विटर को भी हमारे देश की व्यवस्था नियम और कानून के मुताबिक ही इनकी पालना करनी होगी। हमारे देश ने भी इन कंपनियों के साथ दूसरे देशों की तरह काम करने से नहीं रोका। पहले और चुनावों के बाद ये जो हत्या और हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से रोज वहां पर ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं शह उन लोगों की है जो सत्ता में, गरीब लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ा, ऐसे लाखों लोगों को छोड़ना पड़ा। ये हत्या और हिंसा का दौर बंद होना चाहिए और जिस काम के लिए जनता ने चुना विकास के लिए उस काम पर लगना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने किसी दूसरे देश की तरह इन कंपनियों को अपने देश में काम करने से कभी रोका नहीं, लेकिन देश के कानून के अनुसार ही सबको काम करना पड़ता है और देश के कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर बाकी सब कंपनीज गाइडलाइंस को एज पर लॉ कंप्लायंस कर सकती हैं तो कोई एक कंपनी, कोई एक संस्था देश या देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती। और अगर कुछ लोग देश के कानून से ज़्यादा ऐसी कंपनियों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो उनके ही देश का यानी कि अपने भारत देश का कानून का उल्लंघन भी करते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुझे लगता है इस पर भी सोचना चाहिए। देखिए, पंजाब सरकार में जो करप्शन हुई, पंजाब सरकार से जो हताश निराश उनके अपने सांसद विधायक हैं वो भी खुलकर उनकी लड़ाई सामने आई। राजस्थान में भी जैसा आपने कहा कि वहाँ पे भी कूड़ेदान में वैक्सीन्स मिली, वेंटिलेटर जो मुफ्त में आए थे पीएम केयर्स के उनको प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया और वहाँ पर भी उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं। तो ये हर राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इससे पता चलता है कि कोरोना महामारी में भी लूट तंत्र कांग्रेस का बंद नहीं हुआ। निश्चित तौर पर इसी मंशा के साथ 2008 में हमने केंद्र से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मंजूर करवाया। राज्य में धूमल जी की सरकार थी, उन्होंने देहरा धर्मशाला में जमीन देने का काम किया। किन्हीं कारणवश, दुर्भाग्यपूर्ण, एक के बाद दूसरी सरकार के कारण ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा, क्योंकि जब तक जमीन ना हो तब तक नहीं बने। 2 दिन पहले ही जमीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिल गई है और मैंने केंद्र से इसके लिए पैसा भी दिलवा दिया है मोदी जी के आशीर्वाद से, और मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर भव्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण भी होगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।